हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपसे बात करेंगे कि छोटे पॉट में लगे हुए प्लांट को कैसे हम बड़े पॉट में रिपोर्ट करें और उनकी रूट बॉन्डिंग होने से उनको बचाएं और उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स उनको हम एक अच्छा सा बड़ा सा पॉट प्रोवाइड करें। तो ये है, आप देख रहे हैं ड्रेसिना रेफ्लेक्सिया, या फिर जिसको आप सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो उसी की दूसरी वैरायटी है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ग्रीन कलर की इसकी पत्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आज हम इसी को बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये दोस्तों मेरे 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, छोटे पॉट में 6 इंच का पॉट आप देख सकते हैं, ये इतना छोटा है। तो इसको हम 12 इंच के इस बड़े से पॉट में रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों जब नर्सरी से हम इसको ले आए थे तो इसी पॉट में लगा हुआ था, तब से मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे जिससे इसकी ग्रोथ और भी अच्छे से हो सके। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे इससे, इस गमले से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं और नीचे देखिए बिल्कुल इसकी रूट्स वाइट कलर की हो चुकी हैं। और जब इस तरह से रूट्स हो जाएं फ्रेंड्स, तो इसमें
पोषण लेने की क्षमता नहीं होती है। तो इसको हम थोड़ा सा काट देंगे, ज़्यादा नहीं काटेंगे, और बाकी के रूट्स हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। तो हम इसको इसी से थोड़ा सा काट देंगे। आप देख रहे थे इसको निकालना कितना मुश्किल था, तो ये निकल कर तैयार हो गया है दूसरे पॉट में लगने के लिए। अब इसको हम दूसरे पॉट में कैसे लगाएंगे ये आपको दिखाते हैं। ये दूसरे पॉट में हमने ड्रेनेज होल के ऊपर एक ठेपली रख ली है दोस्तों। ये आपके पास अगर ये ना हो तो कोई दिया हो तो आप उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके नीचे हम ऊपर रख देते हैं इसको तो मिट्टी नहीं निकलती है और ये अच्छे से पानी निकल जाता है। तो इसको हम उसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। और अब हमने मिट्टी को निकाल के रख लिया, यहाँ पे मिट्टी तैयार करेंगे। तो ये देखिए 1/3 हमने लिया है बजरी, या जिसको आप मोरंग कहते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है दोस्तों वहाँ पे ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये ना हो तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये हमने ले लिया है गोबर खाद, बहुत ही अच्छे से सड़ी हुई गोबर खाद है दोस्तों ये। आप गोबर खाद उसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट, ये भी 1/3 है, आप इसमें इसकी जगह पे वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी आपके पास खाद हो उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद ये 1/3 गार्डन सॉइल ये ले लिया हमने, तीनों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दोस्तों फंजीसाइड कोई पाउडर है तो उसको भी आप मिक्स कर लीजिए, मेरे पास अभी नहीं है और अभी हम ला भी नहीं सकते हैं बाहर से, तो इसलिए हम जो भी है उसी में अपना काम चलाएंगे। अब हम मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। ये देखिए मिट्टी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम पॉट में भर के प्लांट को लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों मिट्टी को भर लिया है आधे से ज़्यादा। अब इसमें हम प्लांट रखेंगे और चारों तरफ से मिट्टी को डालेंगे। इस तरह से दोस्तों इसको हम ये इतना खाली छोड़ के गमला मिट्टी से भर लेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये भर के मिट्टी को तैयार कर दिया है हमने। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और ये मेरा प्लांट रेडी है। इसमें अच्छे से वाटरिंग करनी है दोस्तों, नीचे से पूरा जड़ तक पानी पहुंच जाए। और इसमें हमको थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़नी है पानी के लिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो अभी इन सभी प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसमें आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है दोस्तों, आप जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी डालिए। तो ये रही मेरी रिपोर्टिंग की वीडियो। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।